देखिए, इस दुनिया में तीन शक्तियां हैं इस दुनिया को चलाने के लिए। स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। इस दुनिया में तीन शक्तियां हैं जो इस प्रकृति, इस कायनात में है। क्या है? एक है क्रिएशन की, एक है मेंटेनेंस की, एक है डिस्ट्रक्शन की। ये तीन शक्तियां हैं, एक क्रिएशन की, एक मेंटेनेंस की, एक डिस्ट्रक्शन की। इस दुनिया में ये तीन शक्तियां हैं। अब क्रिएट करने का काम कौन करता है? अगर स्पिरिचुअल नजर से देखें तो क्रिएट करने का काम कौन करता है? तो ब्रह्मा करता है। और ब्रह्मा के साथ में कौन है? तो सरस्वती है, उनकी धर्म पत्नी सरस्वती है। और सरस्वती के नॉलेज से ब्रह्मा सरस्वती एक ही है। और उनके पास जो सरस्वती है, उनके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज से, उस ज्ञान से वो क्रिएशन का काम करते हैं। कौन? तो ब्रह्मा। ये क्या है एक्चुअली? अगर साइंस की नज़र से देखें तो क्या है ये? साइंस की नज़र से देखें तो ये एक एनर्जी है, और स्पिरिचुअल नज़र से देखें तो ये भगवान है जो कि ये शक्ति जो है क्रिएट करने का काम करती है, और दूसरी एनर्जी क्या है जो मेंटेन करने का काम करती है? तो वो विष्णु है। स्पिरिचुअल नज़र से देखें तो वो विष्णु है। विष्णु जो है वो इस प्रकृति को मेंटेन करने का काम करता है। और विष्णु के साथ में कौन रहती है? उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी रहती है। यानी कि लक्ष्मी धन दौलत की मदद से जो है ये संसार जो है, ये दुनिया जो है वो मेंटेन हो रही है। धन दौलत की मदद से ये दुनिया मेंटेन हो रही है। और तीसरी जो शक्ति है वो है डिस्ट्रक्शन, जिसे हम शिव बोलते हैं। और शिव के साथ में कौन रहती है? पार्वती, शक्ति। और शक्ति की मदद से, पावर की मदद से डिस्ट्रक्शन का काम होता है। तो अगर मैं ज्ञान को हासिल करता हूं और ज्ञान से दुनिया में कुछ क्रिएट करने का काम करता हूं, तो मैं किसका अंश हूं? क्योंकि क्रिएशन की एनर्जी, ज्ञान जो है वो ब्रह्मा का ही अंश है। और मैं अपने ज्ञान को बढ़ाता हूं तो मैं किसका अंश बन जाता हूं? मैं ब्रह्मा का ही अंश बन रहा हूं। स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान को बढ़ाता हूं तो मैं ज्यादा स्पिरिचुअल बन रहा हूं, मैं ब्रह्मा का अंश बन रहा हूं, मैं वो एनर्जी बन रहा हूं। सिमिलरली, अगर मैं पैसे को क्रिएट करने में अपनी मेहनत लगाता हूं और पैसा क्रिएट करता हूं तो मैं किसका अंश बन जाता हूं? मैं विष्णु का अंश बन जाता हूं, क्योंकि वही एनर्जी मेरे अंदर है। मैं उसी एनर्जी को बढ़ावा दे रहा हूं। उस एनर्जी का काम ही है पैसा, क्योंकि वो एनर्जी है तो धन आया। ज्ञान है तो क्रिएशन होगा, पैसा है तो मेंटेन होगा। और अगर मैं अपना पावर बढ़ाता हूं, शक्ति बढ़ाता हूं डिस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं किसका अंश बनता हूं? मैं शिव का अंश बनता हूं। तो अगर मैं अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा हूं पैसे को बनाने में, क्रिएट करने में, तो मैं तो मोक्ष की तरफ जा रहा हूं, मैं तो स्पिरिचुअल काम कर रहा हूं। क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है वो एनर्जी के थ्रू ही होता है। बिना एनर्जी के कोई चीज हो सकती है क्या? बिना ऊर्जा के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। और मैंने चूज किया है कि मुझे पैसे को बनाना है, तो मैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा हूं। राइट और रॉन्ग? सही बोल रहा हूं? परफेक्ट है। तो अगर मैं ये चीज, ये लॉजिक अपने आप को दे देता हूं साइंटिफिकली, अगर मैंने ये लॉजिक अब आपने अपने आप को दे दिया, तो हम जो है, हमारे अंदर जो मिसकंसेप्शन था कि ये जो पैसे के पीछे भागना मतलब कि मोक्ष को छोड़ देना, ये दूर हो गया। और अगर वाकई में दूर हुआ ये मिसकंसेप्शन, लेकिन अरे यार छोड़ क्या बात कर रहे हैं ऐसा, तो वो मिसकंसेप्शन है अंदर। एंड बिकॉज ऑफ दैट मिसकंसेप्शन मेरा मैग्नेटिक पावर जो है वो कम है। ये तो बहुत बड़ा मैग्नेटिक पावर है जो मेरे मैग्नेटिक पावर को कम कर रहा है। तो ये एक चीज मुझे समझ नहीं है। मुझे जो है पैसे के बारे में जितने भी मिसकंसेप्शन है, वो मिसकंसेप्शन जो है वो खत्म करने हैं। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।